राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय और उसके 28 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। मिकायाह ने आहाब से स्पष्ट कह दिया था कि वह जीवित लौट कर नहीं आएगा। यदि वह लौट आया तो उसने जो कहा है वह यहोवा का वचन नहीं। मिकायाह ने यह भी कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो, अर्थात मैं चाहता हूं कि प्रजा यह जान ले कि आहाब की मृत्यु पर गवाही ठहरे कि मैंने कहा है वह सत्य है। मेरे मित्रों, आहाब की पराजय एवं मृत्यु को हम आगे देखते हैं। ढोंगी भावी कहने वालों की बात मानकर इसराइल युद्ध के लिए गया और परिणाम क्या हुआ? इसराइल की हार हुई। आहाब ने सिद्ध कर दिया कि वह सदैव एक धोखा देने वाला ही है। ध्यान दें, युद्ध में राजा के वस्त्रों में केवल एक ही व्यक्ति यहोशापात था, जिसके कारण वह अलग ही दिखाई देता था। आहाब तो भेष बदले हुए था। मित्रों, आप कह सकते हैं कि आहाब तो यहोशापात को निशाना बनवा दिया था कि राजा के नाम पर वही मारा जाए। युद्ध तो यहोशापात का नहीं था, परंतु यह मरते मरते बच गया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 34 और 35 पद में पढ़ते हैं, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इसराइल के राजा के झीलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया। उसके घाव का लोहू बहकर रथ के पौदान में भर गया। और सूर्य डूबते ही सेना में यह पुकार हुई कि हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। मेरे मित्रों, आहाब की मृत्यु किसी सैनिक के निशाना साधे हुए तीर से नहीं हुई। राजा निशाना नहीं बनाया गया था, सैनिक ने आहाब पर तीर नहीं चलाया था, यद्यपि वह तीर उसको खोज कर लगा। आप कह सकते हैं कि वह पहली मिसाइल थी। मेरी कल्पना के अनुसार वह एक साधारण सैनिक था जिसने एकमात्र बचा अपना तीर हवा में चला दिया और वह स्वयं नहीं जानता था कि उसका तीर कहाँ जा रहा है। आहाब की मृत्यु एक दुर्घटना कही गई, परंतु परमेश्वर की योजना में वह एक नियत थी, तीर निशाने पर चला था। परमेश्वर आज भी पुराना हथियार काम में लेता है, वह आज भी तीर कमान के युग में है। भजन संहिता 64 उसके 7 में लिखा है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आज ऐसे मनुष्य हैं जो यह सोचते हैं कि वे परमेश्वर के हाथ से बच गए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके नाम का एक तीर है जो एक ना एक दिन आपको ढूंढ ही लेगा। चाहे आप कितना ही बचे या कितना ही धोखा करें, वह तीर आपको खोज ही लेगा। आहाब के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 37 और 38 पद में हम पढ़ते हैं, जब राजा मर गया तब शोमरोन को पहुंचाया गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लोहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। परमेश्वर ने एलिया के मुख से जो भविष्यवाणी कही थी वह पूरी हुई। आहाब मर गया और कुत्तों ने उसका लहू वहीं चाटा जहां नाबोत मारा गया था। निसंदेह आहाब ने तो वहां से दूर रहने का भरसक प्रयास किया था, परंतु उसका रथ नाबोत की दाग की बारी में लाकर धोया गया था और कुत्ते वहां थे और उसका खून चाटने लगे। भविष्यवाणी शब्दशः पूरी हुई। मेरे मित्रों, मनुष्य जो बोता है वही काटता भी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। आप पाप करके बच नहीं सकते हैं। कोई भी मनुष्य पाप करके बच नहीं पाएगा। परमेश्वर इसका लेखा लेता है। वह सिंहासन पर विराजमान सारी बातों को देखता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 43 पद में पढ़ते हैं, और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा और उससे कुछ न मुड़ा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। मेरे मित्रों, यह समझौता था जो परमेश्वर नहीं कर सकता था, और न ही उसने यहोशापात को इस कारण आशीष दी। मित्रों, स्पष्ट है कि यहोशापात समझौता करने वाला मनुष्य था, तथापि उसे अच्छे राजाओं में गिना गया क्योंकि उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की सेवा की। मेरे मित्रों, हम देखते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 44 पद में, यहोशापात ने इसराइल के राजा से मेल किया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे इतिहास की पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि भविष्यद्वक्ता एहू आहाब से भेंट करने के बाद यहोशापात से साक्षात्कार करता है।
दूसरा इतिहास की पुस्तक 19 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र एहू यहोशापात राजा से भेंट करने के लिए निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के वैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशुरों को नष्ट किया है और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। ये उपवन अनैतिकता के स्थान थे, परंतु ऊंचे स्थान जहां बाल के लिए बलि चढ़ाए जाते थे उसे नष्ट नहीं किए गए। यहोशापात ने समझौता किया था। मित्रों, हम पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 48 और 49 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपिर जाने को बनवा लिए, परंतु वे एशियोन गेबेर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब आहाब के पुत्र अहज्या ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे, परंतु यहोशापात ने इनकार किया। मेरे प्रिय, उत्तरी राज्य में आहाब का पुत्र उसके स्थान पर सिंहासन पर बैठा। वह चाहता था कि यहोशापात उसके साथ व्यापार में साझेदार हो जाए। उस समय तो वह शांति का काम था, परंतु यहोशापात ने दूसरी बार उनके साथ समझौता नहीं किया। उसने सबक सीख लिया था। उसने स्पष्ट कहा, जी नहीं, आपको धन्यवाद, मैं ऐसी व्यवस्था के पक्ष में कदापि नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहोशापात की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राजा बना। तब हम आगे देखते हैं इस अध्याय के आखिरी भाग में आहाब का पुत्र अहज्या आहाब के स्थान पर उत्तरी राज्य सामरिया का राजा बना। उसने 2 वर्ष राज्य किया और आहाब तथा इजबेल के चरण चिन्हों पर वह भी चला। मित्रों, पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 51 पद में लिखा है, आहाब का पुत्र अहज्या शोमरोन के इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इसराइल पर राज्य करता रहा। मित्रों, दूसरा राजा में कहानी यहीं से आरंभ होती है, परंतु सच तो यह है कि पहले राजाओं और दूसरे राजाओं में यथोचित विभाजन नहीं है। अहज्या का राज्य पहले राजाओं से आरंभ ही हुआ है कि दूसरे राजाओं में समाप्त हो जाता है। मेरे मित्रों, राजा और भविष्यद्वक्ता याजक का स्थान ले चुके हैं परमेश्वर के संदेश वाहक के रूप में। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 1 में आहाब और इजबेल का पुत्र अहज्या खिड़की में से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, इसके बारे में देखते हैं। आइए हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, आहाब के मरने के बाद मोआब इसराइल के विरुद्ध हो गया और अहज्या एक झिलमिलीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम जाकर एकोन के बाल जबूब नाम देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। मेरे मन में तो यह बात आती है कि वह शराब के नशे में था और वह गिर गया। मेरे प्रियो, यह मेरा अनुमान है। परमेश्वर के पास सहायता हेतु जाने की अपेक्षा उसने एकोन के बाल जबूब के पास दूत भेजे। यह उसकी माता इजबेल का उस पर प्रभाव था और उसका यह काम इसराइल के परमेश्वर यहोवा को सीधी चुनौती थी। वह जानना चाहता था कि वह दुर्घटना के बाद जीवित रहेगा या नहीं। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, तब यहोवा के दूत ने तिशवी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एकरोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। मेरे मित्रों, यह एलिया के अंतिम दूत कार्यों में से एक था। वह राजा के राजदूतों से मिला और उनसे कहा, क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम एकरोन के बाल जबूब देवता से मिलने जाते हो? तब उसने परमेश्वर का अशुभ संदेश सुनाया, अहज्या चंगा नहीं होगा, वह मर ही जाएगा। राजा के दूतों ने लौटने पर राजा को एलिया का संदेश सुनाया। आगे देखते हैं एलिया को परमेश्वर का संरक्षण। दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रुमार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिशबी एलिया होगा। यहाँ हमें एलिया के रूप रंग का बड़ा ही रोचक विवरण मिलता है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा।
प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतर आ। एलियाह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिर कर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि अहज्या इजेबेल का पुत्र है, वही इजेबेल जिसने एलियाह को घात करने का प्रण किया था। ऐसा लगता है कि एलियाह के सिर पर अब भी इनाम है। एलियाह वास्तव में पुरुषार्थ रखता था, नहीं क्या? वह उस युग के समझौते भरे जीवन के योग्य नहीं था। मेरे प्रियो, आज भावनाओं के व्यक्त करने और सबके साथ मेल भाव बनाए रखने के बारे में बहुत अधिक चर्चा है। क्या मैं आपको इस तथ्य से अवगत करा सकता हूँ कि यह परमेश्वर की रीति नहीं है? कलीसिया और उसके अगुओं के समझौते भरे जीवन के कारण संसार कलीसिया की वाणी सुनने को प्रेरित नहीं होता है, वरन सच तो यह है कि वह सुनता ही नहीं है। वे कलीसिया को अनदेखा करते हैं। क्यों? संसार कलीसिया की वाणी कभी नहीं सुनेगा जब तक कि वह परमेश्वर का वचन नहीं सुनाएगी। मित्रों, यदि कलीसिया परमेश्वर का वचन सुनाएगी तो संपर्क स्थापित होकर ही करेगा। एलिय्याह ने संपर्क साधने में सफलता प्राप्त की, उसकी वाणी सुनी गई, प्रजा ने उसकी बात सुनी। वह एक प्रकार से लठमार व्यक्ति था। राजा ने 50 सैनिकों की टुकड़ी उसे पकड़ने के लिए भेजी। उसने एलिय्याह को पहाड़ से नीचे आने को कहा, लेकिन नीचे आग उतरी और सैनिकों के साथ प्रधान को भी भस्म कर दिया। हम दूसरे राजा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। इसने दया की याचना की और परमेश्वर निश्चय ही दया दिखाएगा। दूसरे राजा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा है, तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिसे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। एलिय्याह ने निर्भीक होकर परमेश्वर की घोषणा को सुनाई। दूसरा राजा 1 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर गया और उसके संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्या के और काम जो उसने किए, क्या वह इसराइल के राजाओं की पुस्तक या इतिहास में नहीं लिखे गए हैं? ओमरी और अहाब के वंश का यहीं पर अंत होता है। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 1 भी समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 में बढ़ेंगे। एलिय्याह का स्वर्गरोहण। इस अध्याय में एलिय्याह के सांसारिक जीवन का अंत दर्शाया गया है। वह अग्नि रथ में स्वर्ग पर उठा लिया जाता है। अब एलिशा का नाम उठता है और अध्याय के अंत में हम ठट्ठा करने वालों को भेड़ियों का शिकार होते हुए देखेंगे। तो आइए हम देखें एलिय्याह का स्वर्गरोहण। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है कि तुम चुप रहो। और एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। मेरे प्रियो, एलिय्याह पूर्ण प्रयास कर रहा था कि एलिशा उसके साथ ना जाए, परंतु एलिशा एलिय्याह को छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि एलिय्याह कूच करेगा। प्रभु द्वारा उठाए जाने के समय एलिशा वहां उपस्थित रहना चाहता था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ता के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो।
मेरे मित्रों, यहाँ रोचक बात यह है कि लोग तब भी और आज भी तरह तरह के लोगों और स्थानों में जानकारियों के लिए जाते हैं। आज वह दिन है जब भावी कहने वाले और राशिफल बताने वाले तांत्रिक आदि अनेक मार्ग सुझा रहे हैं। मनुष्य हर जगह जा रहा है परंतु परमेश्वर के पास नहीं जाता। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आप परमेश्वर की अपेक्षा वहां से प्राप्त करें। भविष्यद्वक्ताओं के चेले जान गए थे कि एलिया संसार से कूच करने वाला है। एलिशा भी जानता था कि वे उसे कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 से 8 पद में पढ़ते हैं, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है सो तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने 500 वर्ष पूर्व यहोशू और इसराइल के लिए यरदन का पानी 2 भाग में बांट दिया था। अब वह एलिया और एलिशा के लिए फिर से वही चमत्कार करता है। तब हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। मेरे प्रियो, ध्यान रखें, एलिशा एलिया से अधिक महान भविष्यद्वक्ता हुआ। उसके पास परमेश्वर की आत्मा का 2 गुना अंश था। दूसरा राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय की 11 पद में लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। मित्रों, यह एक दर्शनीय जीवन का दर्शनीय अंत था। एलिशा को एलिया की आत्मा का 2 गुना अंश मिला। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 से 14 पद में लिखा हुआ है, और उससे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी पड़ी थी, वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। मेरे मित्रों, एलिशा ने एलिया का स्थान पाया। वह अपने विश्वास का प्रदर्शन करता है। वह एलिया की नाई एलिया की ही चादर को पानी पर मारता है। शक्ति ना तो चादर में थी और न ही एलिशा में। सामर्थ तो परमेश्वर में है। एलिशा यह विश्वास रखता था। एलिशा में भी वही विश्वास था जो एलिया में था, एलिया के परमेश्वर के विश्वास में। उसने पूछा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। मेरे प्रिय मित्रों, आज भी यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहायता के लिए मनुष्य या किसी विधि या किसी टोटके की शरण जाने की अपेक्षा, जैसा अनेक जन आज कर रहे हैं, इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर क्यों ना निहारे। वही एक जीवित परमेश्वर है। वह प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर एवं पिता है। मेरे मित्रों, उसी को निहारे, वह आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। एलिशा ने एलिया की चादर को पानी पर मारा और पानी अलग अलग 2 भाग में बट गया। वह नदी पार करके अपने जीवन के एक नए चरण को आरंभ करने आया है। हम देखेंगे एलिया का उत्तराधिकारी एलिशा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। सो वे उसे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किए। तब उन्होंने उसे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं जो जाकर तेरे स्वामी को ढूंढें। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर व किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। मेरे मित्रों, भविष्यद्वक्ताओं के चेले अर्थात थियोलॉजी के विद्यार्थी अब भी देख रहे थे और उन्होंने देखा कि एलिशा ने नदी का जल अलग अलग करके नदी पार की है। उन्हें एलिया के स्वर्गरोहण पर संदेह था। वे सोचते थे कि परमेश्वर ने उसे किसी निर्जन स्थान में रख दिया है। परमेश्वर के बारे में उनका विचार कैसा विचित्र था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया तब उसने कहा, भेज दो। सो उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए
और वे उसे 30 दिन तक ढूंढते रहे परंतु ना पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। सो जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? मेरे प्रियो, एलिया तो जा चुका था और खोजबीन की आवश्यकता नहीं थी। एलिशा ने कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? मित्रों, यरीहो के निवासी एलिशा के पास समस्या लेकर के आए। हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 19 से 22 पद में। उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्व गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। मेरे मित्रों, एलिशा ने कड़वा पानी मीठा बनाया। यह उसका दूसरा चमत्कार था। मित्रों, हम अगली घटना को देखते हैं जो धर्मशास्त्र में आलोचना का कारण है। परमेश्वर के वचन के बैरी इसे बड़े आनंद से संदर्भित करके बच्चों की हत्या का विलाप करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। इस घटना के समय एलिशा एलिया के स्वर्गरोहण से लौट रहा था और इस घटना की सूचना उसे पहले पहुंच चुकी थी। इससे पूर्व कि वह बेतेल पहुंचे, बच्चे उठा ठड्ढा कर रहे थे। एलिशा ने परमेश्वर के नाम में उन्हें श्राप दिया और 2 रीछनियां जंगल से निकलकर उन 42 बच्चों को फाड़ दिया। मित्रों, आप क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर बच्चों को ऐसा नष्ट करेगा? यहाँ जो लिखा है वह बाइबल के अन्य संदर्भों का विरोधी है। हमें यह बोध होना आवश्यक है कि जब हम इस संसार में आते हैं तब हमारा मस्तिष्क तटस्थ होता है। हमारा मस्तिष्क केवल एक बात का विद्रोह को छोड़कर हर एक विषय में तटस्थ होता है। मनुष्य में जन्मजात परमेश्वर का विरोधी स्वभाव होता है। मेरे मित्रों, यदि मनुष्य सच्चा संकालु हो तो उसे समझ में आएगा कि परमेश्वर के वचन से संबंधित प्रत्येक समस्या और प्रश्न का उत्तर है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सब समस्याओं का उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। तथापि यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं दे सकता हूं। मित्रों, एलिशा ने एलिया का उत्तराधिकारी संभाला। एलिशा अनेक परिप्रेक्ष्य में एलिया से बढ़कर था। यह उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात होगी जो एलिया को एक स्वर्ग महान या भविष्यद्वक्ता और पृथ्वी पर क्लेश के युग में आने वाला गवाह मानते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 से 7 पद में उसे आप पाते हैं। यदि आप इन दोनों की तुलना चमत्कारों के आधार पर करना चाहते हैं तो एलिशा ने सबसे अधिक चमत्कार किए। एलिया जन साधारण के लिए था जबकि एलिशा की सेवा व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति विशेष के लिए थी, क्योंकि उसकी सेवा मुख्यतः व्यक्ति विशेष में थी। वह एलिया की नाई नाटकीय एवं उत्साही नहीं दिखाई देता है। एलिया के विपरीत वह दीन था। सेवा के आरंभ में एलिशा एक युवक ही था। इस घटना के समय वह यरदन पार से लौट रहा था जहां से एलिया अग्नि रथ में स्वर्ग पर गया। इस घटना का समाचार जंगल में आग की तरफ फैल गई। जब तक एलिशा बेतेल लौटा तब तक सब लोग इस समाचार को पा चुके थे। मित्रों, बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। यह नाम सबसे पहले अब्राहम ने दिया था, इसके बाद याकूब ने। परंतु बेतेलवासी इस नाम के अनुरूप जीवन नहीं रखते थे। आपको स्मरण होगा कि राज्य के विभाजन के समय यारोबाम ने बेतेल में सोने के बछड़े स्थापित किए थे कि उसकी प्रजा उनकी उपासना करे। मित्रों, उसका उद्देश्य था कि उसकी प्रजा आराधना के लिए यरूशलेम के मंदिर में ना जाए। बेतेल में ढोंगी भविष्यद्वक्ताओं की पीठ भी थी जो यहूदा के भविष्यद्वक्ताओं की नकल करती थी। बेतेल के बच्चे इसी वातावरण में पोषित हुए थे। वे ईश्वर रहित थे, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था और वे अनुशासनपूर्ण जीवन नहीं जी रहे थे। मेरे मित्रों, हमारे आधुनिक नगर में भी इससे भिन्न नहीं है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। मेरे मित्रों, इसी कारण से उन्हें रीछ ने मार डाला।